स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अभी कुछ दिन पहले यानी कि ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा कास्ट अवे डीवा के एपिसोड नंबर 1 को। और ये ड्रामा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक लड़की की कहानी देखेंगे जो 15 साल एक जंगल में रहने के बाद आती है सोल में, और उसके बाद उसके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं। और इस ड्रामे के लिए मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, तो मैं उसके लिए स्पेशल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है कोरियन स्कूल में, जब बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। ये लड़की फ़ोन खोज रही है, इसका फ़ोन डेड हो गया होता है, एक लड़के के पास फ़ोन मांगती है, बदले में लड़का इसको 1000 won मांगता है। लड़की रोने लगती है तो लड़का इसको फ़ोन दे देता है। ये लड़की फिर अपनी आइडल यूनरान को कॉल लगाती है क्योंकि यूनरान अभी रेडियो पर लाइव है और अपने फैंस से बातें कर रही है ना, और अपने आइडल से ये बात करने को इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि उसको बड़े बोलने के बाद ना बहुत ज़्यादा ना ऐसा एक्साइटेड सी हो जाती है। और यूनरान टॉप कोरियन डीवा और सिंगर होती है, इसका जितने भी सॉन्ग्स आते हैं ना सारे के सारे पॉपुलर जाते हैं। और ये स्कूल गर मोखा होती है, इसका नाम मोखा है, खुश है, बहुत खुश है। कहती है मेरे से बात कर ली आपने, मैंने आपसे बात कर ली, अब तो मैं मर जाऊंगी खुशी से। लड़का इसका फ़ोन छीन लेता है, कहता है वहाँ जाके मर जा। मोखा गुस्से हुए क्योंकि कहती है कि अबे फ़ोन छीन लिया उसने मेरा, वरना आज मैं यूनरान को अपना गाना सुना देती तो वो अभी मुझे यहाँ पर लेने आ जाती, मैं इतनी अच्छी गाना गा लेती हूँ। और मोखा डिसाइड करती है कि वो आने वाले अपकमिंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी और उसकी जज यूनरान ही होती है, तो इसको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है वहाँ से। पर जो पार्टिसिपेट करेगा उसको एक वीडियो बनाकर भेजनी होती है गाना गाते हुए, इसके लिए चाहिए होता है कैमरा। और यहाँ पर मैं अब मेन बात बता दूँ कि टाइम चल रहा होता है 2007 का, उस टाइम फोन्स तो ना बराबर होते थे लोगों के पास, और कैमरा तो भूल ही जाओ है ना, तो अब कहाँ से बनाएगा। तभी एक लड़का चिल्लाता है, कहता मैं जानता हूँ कैमरा किसके पास मिलेगा। दूसरी तरफ हम उसी क्लासमेट लड़के को देखते हैं, इसके नाम का भी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ओके, स्कूल के बाद ये मजदूरी करने जाता है, शायद इसकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, कूड़ा उठाने का काम करता है, कहीं कहीं कुछ कुछ कर लिया करता है। एक आदमी से रीज़न पूछता है कि तुम छोटे हो भी ये सब क्यों कर रहे हो, तो कहता है नहीं कि पापा के लिए गिफ्ट लेना, मुझे उनको मत बताना आप प्लीज़। और ये आदमी जाकर उस लड़के के पिता को बता देता है कि आपका बेटा काम करता है, शायद वो आपको गिफ्ट देने वाला है। और शाम को जब वो लड़का घर आता है तो उसके पिता इसको बहुत मारते पीटते हैं, मतलब इसकी हड्डियाँ तोड़ देते मार मार के, और पूछते कि पैसे का क्या करेगा तू, अपनी मोम के पास भागेगा तू। इस लड़के की पूरी बॉडी पर चोट के निशान होते हैं, जिसे पता चलता है कि इसके पिता इसको रेगुलर मारा पीटा करते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। अगले दिन मौका अब इससे ना कैमरा लेने आ गई होती है, और ये वही लड़का है जिसके पास इकलौता कैमरा है। अब ये फ़ोन के लिए तो 1000 won मांग रहा था, कैमरा क्या ही देगा। तो इसके पास यानी मौका के पास जितने भी पैसे होते हैं वो इसको दे कर कहते प्लीज़ कैमरा दे दो मुझे, है ना, तो ये उसको दे देता है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत होती है। और मौका पूरी तैयार होकर अब शूट के लिए रेडी है। लड़का पूछता है कि लेकिन ये सब तुम कर क्यों रही हो। मौका कहती है यूरान के पास भेजूंगी ना वीडियो, कहता है तो उसके बाद क्या होगा। ये कहती है कंपनी मुझसे कॉन्टैक्ट करेगी, कहता है फिर उसके बाद क्या होगा, कहती है मैं सोल चली जाऊंगी, फिर कहता है उसके बाद क्या होगा। अब इसको पता ही नहीं कि उसके बाद क्या होगा, ये तो बहुत टेंशन की बात हो जाती है। कहती है अरे मैं पॉपुलर हो जाऊंगी ना बहुत ज़्यादा, है ना, तो कहती है जल्दी शूट कर दो मेरा, मुझे आइडल बनना है और कुछ नहीं करना। फिर गाना गाना शुरू करती है, बहुत अच्छा गाना गाती है ये, लड़का इंप्रेस हो जाता है, बाहर ले जाके शूट करता है इसकी वीडियोस को अलग अलग लोकेशन पर, ताकि और ज़्यादा ना अच्छी वाइब आए वीडियो में से, और एडिटिंग भी कर देता है ये फ्री में ही। और सीन मौका के घर पर आता है, मौका का बाप एक नंबर का पागल और हरामी और नशेड़ी आदमी होता है, वो मारता पीटता मौका को रोज, और इसका गिटार भी आज तोड़ देता है, पूरा रूम ऐसे तोड़ फोड़ कर दिया, मतलब शराब पी के ना घर पर मारना वही जो घटिया लोग करते हैं। तो स्कूल नहीं आती अगले दिन, लड़का टेंशन में आ जाता है कि आज तो वीडियो सबमिट करने का लास्ट दिन है, मौका स्कूल भी नहीं आई है। तो छुट्टी के बाद मौका के घर जाता है तो देखता है उसके घर में पुलिस आई है, मौका ने पुलिस बुला दी होती है अपने ऊपर जो होता है ना उससे बचने के लिए। तो उस लड़के के जो पिताजी है ना जो उसको मारा पीटा करते हैं, वहीं पुलिस वाले भी होते हैं, समझ लो, और ये खुद अपने बेटे को मारता है रोज, ये मौका की क्या ही सुनेगा, कहता अरे घर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, मतलब एक हरामी बाप ने दूसरे हरामी बाप को यहाँ पर बचा लिया है ना, एक सन की दूसरा सन की। और सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता, कुछ भी नहीं होता है। रात को लड़का इसे पेनड्राइव देकर कहता देखो 12 बजे तक तुम सबमिट कर देना इसको। मौका वहीं टीवी पर यूरान को देख रही होती, कहते मुझे भी इसके जैसा बनना है, कितनी लकी और हैप्पी जिंदगी है ना इनकी, कितनी खुश रहती है ये। लड़का फिर पेनड्राइव घर लेकर आता है, खुद ही वीडियो अपलोड कर देता है, और लकली यूरान उस टाइम सभी जो सबमिशन होते ना उनकी वीडियो सुन रही होती है, देख रही होती है। मौका का गाना इसको बहुत पसंद आता है ना। अगले दिन इसकी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा होता है, तो अब ये रिन्यू नहीं करवाएगी इस एजेंसी के साथ, ये कुछ और करना चाहती है। यहाँ यूरान की एजेंसी मौका को कॉल कर देती है कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, सुगर एजेंसी नाम होता है उसका, तो हम तुम्हें लेने के लिए ऐसे सोल में इस जगह पर रहेंगे, तुम सोल आ जाना।
पर मोका वहां पर अब जाना ही नहीं चाहती है। लड़का कहता, पागल हो क्या तुम, इतनी मेहनत कर रही हो, अब तुम्हें सोल जाने का मौका मिल रहा है तो तुम मना कर रही हो, है ना। तो मोका कहती है ना कि वो पुलिस वाला आया था ना, बोल रहा था कि मैं बड़ी लड़की बन गई हूँ और ऐसी बचकानी चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए। और बहुत रोती है, बहुत रोती है पूरे दिन स्कूल में। छुट्टी में लड़का कहता है कि अगर फिर तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा तो मेरी विंडो पर आकर दो बार नॉक करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और आज रात को फिर से मोका का नशेड़ी बाप पी के आकर उसको मारने वाला होता है। तो मोका चुपके से पीछे से भाग जाती है, लड़के घर आती है, लड़का भी पूरी तैयारी में ही होता है और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इमरान भी यहाँ पर अपने मैनेजर की एक छोटी सी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। ये पूछता है कि मैंने अभी तो नई एजेंसी खोली है, आप मेरी एजेंसी क्यों ज्वाइन कर रही हो, आप तो बड़ी बड़ी एजेंसी भी ज्वाइन कर सकती हो। तो ईरान कहती है कि तुमने मेरे नाम के आगे आर्टिस्ट लिखा है, बाकियों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और ये दोनों भागकर समुद्र किनारे आगे होते हैं। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि ये दोनों आइलैंड पर रहते हैं और यहाँ से इनको भागना है ना तो शिप विप लेकर मेनलैंड जाना होगा, यानी कि सोल में। अब क्योंकि इस आइलैंड पर शिप बहुत देर में आती है तो इनको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। फिर एक शिप आती भी है तो जब जाते हैं तो दो लोग ना इनको देख लेते हैं जाते हुए। अभी आइलैंड इतना छोटा होता है ना कि सब एक दूसरे को जानते हैं कि ये उसका लौंडा ही उसकी लौंडी ऐसे कुछ करके, ठीक है ओके। यहाँ पर ये दोनों ना शिप में आकर बैठ जाते हैं। मोका कहती है ना कि अरे अब मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब मैं नौकरी करती हूँ एजेंसी में, मुझे काम मिल गया तो मैं तुम्हें पाल लूंगी, डोंट वरी, मैं तुम्हें खिलाऊंगी पिलाऊंगी अच्छे से रखूंगी। इतने में मोका का सन की बाप आ जाता है यहाँ पर। लड़का मोका को एड्रेस और फोन देकर कहता है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर अपना नाम चेंज कर लेना ताकि तुम्हें खोजे ना तो तुम कभी मिलो ही ना किसी को। अब बाहर मोका के बाप को रोकने लगता है। मोका का सन की बाप पागल तो ऐसे ही है, तो इस लड़के को बहुत मारता है, सर्वर सब फोड़ देता है मार के। अंदर आता है, मोका रो रही होती है, उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों भागते हैं शिप में यहाँ वहाँ। कहती है मेरे पास मत आना वरना कूद जाऊंगी, और ये पागल उसके पास आ रहा होता है और ये सच में पानी में कूद जाती है। दूसरी तरफ लड़के को 2 से 4 दिन बाद हॉस्पिटल में हम देखते हैं, होश आ गया होता है, उठ के कहता है मोका कहाँ है, और हम जान पाते हैं कि मोका सी में उस दिन गायब हो गई थी और उसका बाप भी गायब हो गया था। पुलिस खोज रही है, कुछ भी नहीं पता दोनों का। यहाँ इमरान भी मोका का वेट कर रही होती है सोल में, क्योंकि अभी तक आई नहीं है ना, वो आने वाली थी। और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। मोका के बेंच पर भी फ्लावर्स रख दिए गए होते हैं, जिसका मतलब कोरिया जापान में होता है कि वो इंसान अब मर चुका है। पर मोका तो एक आइलैंड पर होती है, हम उसको देखते हैं, पूरा जंगल है, दूर दूर तक कोई नहीं है, चारों तरफ समुद्र है और यहाँ पर जंगली फ्रूट पत्ते ये वो मछली खा के ये अपना कैसे भी गुजर बसर कर रही होती है भाई। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, यानी कि 15 साल, और लड़का अब बड़ा हो गया होता है और वो हर रोज उसी जगह पर आकर खड़ा होता है जहाँ पर मोका से लास्ट टाइम मिला था। और फिर सीन आता है आइलैंड पर, जहाँ हम देखते हैं मोका को जो बड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी, और कहती है ना कि मैंने यहाँ पर जीना सीख लिया। उठती है, फिशिंग करती है, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रही होती है। इसका एक प्यारा सा घर भी होता है जो झोपड़ी जैसा होता है, पत्ते लकड़ी वकड़ी से जिसने बनाया होता है, और जो समुद्र में चीज़ें तैर वैर के आ जाया करती हैं उसका भी यूज़ अच्छे से कर रही होती है ये। और अब बड़ी हो गई होती है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट भी ही। और इसके पास ना ड्रोन आता है उड़ता हुआ, अब ये देख कर डर जाती है, बेचिया चीज़ें, क्योंकि ये 2007 में साइलेंट पर आई थी, उस टाइम ड्रोन इसने देखा नहीं था कभी, मुझे तो पता भी नहीं ड्रोन होते भी नहीं देखे नहीं 2007 में। और इतने साल बीत गए ना तो इसको कुछ भी नहीं पता कि बाहर दुनिया में आखिरकार क्या चल रहा है, क्या हो गया, कौन आया कौन गया, क्योंकि जब मेन लैंड पे जाएगी ना सोल में तो वहाँ पर देखेगी ना म्यूजिक में क्या क्या हो रहा है कोरिया में, तो इसके होश उड़ जाते हैं। ओके, तो अभी तो फिलहाल ये आइलैंड के ऊपर ही होती है और ड्रोन को घूर घूर कर देख रही है, बहुत डरी हुई है कि अब ये कौन सी चीज़ आ गई अचानक उड़ने वाली, क्योंकि आज से पहले जिसने कभी देखा ही नहीं होता है। अरे यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलता है उसके साथ, तब तक के लिए बाय।